बातचीत में तो बहुत अच्छी बात लगती है और लोग इसको सोचते हैं कि बड़ी अच्छी संस्कृति भी है। ऐसे मोहब्बती भी सब लोग बहुत हैं, ये मैं जरूर कहूंगी कि सब लोग मोहब्बती हैं, लेकिन एक तरह से हर समय अपने को हवा में उछालते रहने से कभी मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया। आदमी को एक नया तत्व मिलता है जिसे हम महालक्ष्मी का तत्व कहते हैं। अब जिनके पास अथाह लक्ष्मी आ गई वो सब तंग आ गए। अब आप अमेरिका में जाइए तो हम लॉस एंजलिस में गए तो किसी पुराने मित्र ने हम लोगों को बुलाया, उनके घर गए तो सारे घर जैसे कुछ गोबर से ही लिपे होते हैं, गोबर के रंग के। तो मैंने कहा ये क्या गोबर का रंग कहाँ लगा रखा है। कहले अमेरिकन लोगों को आजकल भिखारीपन का शौक चढ़ा है, तो जानबूझ करके कपड़े फाड़ते, कपड़ा यहाँ फटा होना चाहिए वहां होना चाहिए। इंग्लैंड जैसी ठंडी जगह ऐसी पैंटे पहने के जिसमें ऐसे गोल गोल छेद बने। तो मैंने कहा ये क्या पैंट पहनी, कि ये होली पैंट है, होल होली पैंट। अरे भाई इस ठंड में मर जाओगे, ऐसा क्यों पहनते, व्हाट्स रॉन्ग, भूत के जैसे बाल। न जाने कितने सालों से उसको तेल तो छोड़िए कंघी भी नहीं लगाई हुई और बसाते हैं बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह का तुम भेष क्यों बनाए हो भाई, ये तो प्रिमिटिव लोगों का, पुराने जंगली लोगों का भेष है। कहले हम होने चाहते हैं, हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं। मैंने कहा दिमाग तो आपका मॉडर्न आधुनिक है और आप कैसे प्रिमिटिव हो गए, दिमाग तो आपका आधुनिक है, उसको पहले प्रिमिटिव बनाओ। और जैसे आप हिंदुस्तान भी आते हैं तो कोई कहीं पर झोपड़ी दे, हाँ सीधा हट हट यू नो हट, जैसे कि बहुत बड़ी चीज। और इनको वाकई ये शौक हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि इनको क्या चीज पसंद आ गया, लेकिन मैं इनकी नस खूब समझती हूँ। एक बार मैं लखनऊ के पास मसौली गई थी, वहां से कुछ मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाए थे, मिट्टी तो नहीं कहना चाहिए, चीनी मिट्टी थी, पर बड़े अच्छे बनाए थे लेकर के आया ना। उस पर कोई लाइन थी कुछ नहीं, लेकिन कहना चाहिए जैसे विदेश के लोगों को अच्छे लगते हैं। छः आने में मिले थे, छः आने बस। मैं जब लौट के आई तो हमारे साहब के एक दोस्त बहुत बड़े रईस आदमी वहाँ के और अम्बेसडर यहाँ के आए थे, उनकी बीवी, वो हमसे खाना खाने हमारे घर आए। तो कहने लगे मैंने सुना था कि यहाँ बड़े अच्छे सिरामिक्स मिलते, मैं तो कहीं नहीं, सब रद्दी बड़े डेकोरेटिव कुछ काम के नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। तो मैंने कहा आपको बड़ा शौक है, कहना हाँ। तो मैंने उसमें से दो प्याले अपने कुल्हड़ जैसे दो प्याले उनको प्रेजेंट कर दिए। अब मेरे पति की तो भौहें चढ़ गई कि क्या छः छः आने की चीज उनको प्रेजेंट कर दी। मैंने कहा आप नहीं जानते इनको, मैं खूब जानती हूँ। तो वो जब दिल्ली आए मेरे पति, तो यहाँ से आकर के फिर वापस जा कर लगे कि वाकई में वो भी तुम्हारे जैसे पागल है। मैंने कहा क्यों, अरे तुमको मालूम है वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए और कहने लगे कि आज तुम हमारे यहाँ खाना खा कर जाओगे, और घर ले गए और उन्होंने दिखाया एक स्पेशल, उन्होंने एक बढ़िया सा आला बनाया था और उस पे कांच लगाई और उसमें ये दो प्याले रखे थे। और उनसे कहने लगे कि मैं हम किसी से नहीं बताते हैं कि आपकी पत्नी ने दिया, नहीं तो सब उनको तंग करेंगे, हम किसी से नहीं बताते कि कहां से लाए। ये कह
डर लगे कि इनकी नजर क्या उल्टी क्या, इनको क्या दिखाई दे रहा अच्छे आने वालों में। तो इस प्रकार इन लोगों में जो सौंदर्य दृष्टि है वो इस ओर है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को बना बुनवा के रखो तो उनको पसंद नहीं आता। तो जो आज नोएडा के गाने आपने सुने, क्योंकि ये देहात के गाने हैं, देहाती ढंग के हैं, इसमें श को सही कहते हैं, बिल्कुल पक्के देहाती गाने, वो इनको इतने पसंद है, यहाँ से चिमटे उमटे सब देश में गए, कम से कम मेरे ख्याल से 5 दर्जन चिमटे गए और सब चिमटे लेकर के और सारे नोएडा के गाने गाते रहे। और नोएडा का गाना अगर नहीं हुआ तो उनको चैन ही नहीं आता। इस कदर शौक से गाते, कहीं भी जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए या चाहे आप स्पेन चले जाइए, चाहे आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, हर जगह नोएडा के गाने गाते और सारे गाने उसी ढंग से और उसी उच्चारण के साथ गाते हैं जैसे ये लोग गाते। और पता नहीं उनको क्या ऐसा आंदोलन सा लगता है कि माँ कितने हृदय से ये निकला हुआ है, इससे हमारा हृदय खुलता है। और जैसा इन्होंने बताया कि नोएडा के गाने भी ऐसे ही लाइट चली गई थी, बेचारों को किसी ने बताया भी नहीं, मुझे हमारे पता नहीं संकोच में किसी ने बताया नहीं कि नोएडा के लोग आए हैं गाना गाते हैं, पर जब लाइट चली गई तो कहने वही ये गा सकते हैं इस वक्त। तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ, मुझे भी बहुत शौक था ऐसे गानों का बचपन से। वो जो गाने उठे वहां से उठे हैं तो आज कम से कम 55 देशों में गाए जाते हैं। और ये जो कविताएं हैं ये भी सहज हृदय से बनाई हुई कविताएं, उन कवियों का नाम उनको मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। और सारे दुनिया में रशिया में तो कुछ पूछे ही नहीं, सब तालियां बजा रहे पूरी समय। ऐसा आपके नोएडा का कुछ करिश्मा है, कोई ना कोई यहाँ बड़ी भारी चीज है, क्योंकि यहाँ से ये गाने भी उठे हैं, हमारा भी यही रहना हो रहा है, जमुना जी की भी कृपा है यहाँ, और सहज में सब लोग रंगे हुए हैं। जब आदमी सहज में रंग जाता है तो मैंने देखा कि कुछ उसको याद रहता नहीं जिसके बारे में वो बहुत हमेशा सतर्क रहता है। माने अगर आप किसी साहब से बात करें, एक किस्सा सुनाते हैं कि कोई लोग मिनिस्टर साहब ने भी मिलने गए, मिनिस्टर साहब को तो मिनिस्टर साहब से मिलने से पहले उनके पीए साहब से मिले तो वो अकड़ अकड़ के बात कर रहे थे उनसे। का साहब बात क्या है, आप कौन है? कहले मैं पीए हूं। अरे भाई पहले क्यों नहीं बताया, ये पीए थे, इनसे काय को बात करनी। लेकिन यहां पर देखिए, मैं देख रही हूं कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इंजीनियर लोग भी बैठे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर साहब भी बैठे हैं और सब लोग नोएडा के गाने गा रहे हैं। सहज से पहले अगर नौकर लोग बैठ के गाना गाते होते तो जाकर कहते कि यहाँ गाना गाओ नहीं, हमें सोना है, भागो। लेकिन अब वही गाने इतने सुहाने लग रहे और इतने अच्छे लग रहे। जब हृदय आपका खुल जाता तो जो कुछ हितकारी आत्मा के लिए है वो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अब सब मनुष्य आत्मा का ही खोजता है, आत्मा का ही आनंद खोजता है। वो ये नहीं खोजता कि मैं कहाँ सो रहा हूं, कि मैं कहाँ बैठा हूं। प्रदेश के जो लोग आते हैं इनके सब पास मोटर हैं, मैंने बताया घर हैं, बड़े शान से रहते हैं। और वो जो गणपति पुड़े हैं, क्या बताएं आपसे, वाकई यहाँ गणपति पुड़े हो जाए तो कुछ तो फायदा हो जाएगा। वहाँ ना कभी पानी आए,
ना ही कोई रहने की व्यवस्था है और पत्थर के घर है, और वो किसी तरह से उबड़ खाबड़ बने वहीं आराम से रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।